The world is celebrating in 2009 200th birth anniversary of the scientist. तो 2009 के अंदर जो 200वीं birth anniversary मनाई गई है वो कौन से साइंसदान की मनाई गई है? तो चार्ल्स डार्विन है जी हमारे पास. BIN is the intelligence agency of the BIN जो है वो किसकी intelligence agency है? BIN जो है वो Indonesia की intelligence agency है. क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, साइंस ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड. तो साइंस ऑफ ह्यूमन रेसेस को हम जी डेमोग्राफी कहते हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पेशल इनवो टू द मिडल ईस्ट. तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इसे हमने चेक कर लेना है. और जो अभी करंटली है वो हमारे पास ये जॉर्ज मिटचल है. अरमाको इज द ऑयल कंपनी ऑफ, अरमाको जो है वो किसकी ऑयल कंपनी है? तो ये हमारे पास ये सऊदी अरेबिया की है जी. टेंगी इज द करंसी ऑफ, तो टेंगी जो है वो किसकी करंसी है? टेंगी जो है वो काजिस्तान की करंसी है. चेन्नई इज द न्यू नेम ऑफ द इंडियन सिटी, चेन्नई जो है वो किसका नया नाम है? कौन सी इंडियन सिटी का नया नाम है? तो मदारस का जो न्यू नाम है वो चेन्नई है. वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, तो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट इज, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नोट कर लें. करंटली जो है वो हमारे पास डेविड मलपास है. और आपने एग्जाम से पहले जो है वो इसको चेक कर लेना जी कि हाउ आर द करंट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट. तो जो करंटली है वो जो है डेविड मलपास. एशियाना एयरलाइन इज ऑफ, तो एशियाना जो एयरलाइन है वो किसकी है? वो हमारे पास जी सऊदी साउथ कोरिया की है जी. कैलिफोर्निया इज नोन एज सिलिकॉन वैली बिकॉज ऑफ, कैलिफोर्निया जो है वो सिलिकॉन वैली कहलाती है. क्यों? बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से वो सिलिकॉन वैली कहलाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेलिब्रेटिंग 50 ईयर ऑफ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 2009. तो कूबा है जी जिसने जो है वो क्या किया है, सेलिब्रेट किया है 5th ईयर कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इन 2009 के अंदर. Which of the following Central Asian state has recently closed down American airspace at Manas? तो हमारे पास कर्गिस्तान है जिसने क्लोज डाउन कर दी है अमेरिकन एयर बेस, और कहाँ पे? मनास में. सिटली इज द सी पोर्ट ऑफ, तो सिटली जो है वो सी पोर्ट ऑफ यूएसए है, यूएसए का है. कैरी लॉन्गर बिल इन यूएस कांग्रेस इफ अप्रूव्ड वुड वर्ल्ड प्रोवाइड टू पाकिस्तान एंड एनुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट ऑफ पाकिस्तान को. अगर हमारे पास ये बिल जो है किसी लॉन्गर बिल अगर यूएस कांग्रेस चाहेगी इसको अप्रूव कर लेती है तो पाकिस्तान को सालाना जो है वो कितनी इमदाद दी जाएगी? तो $1.5 बिलियन है हमारे पास ये. क्लास अक्वेब इज फाउंडर ऑफ, क्लास अक्वेब जो है वो किसका फाउंडर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का जो फाउंडर है वो क्लास अक्वेब है, WEF है जी. इसे फाउंड इसने कब किया? 1971 में. और कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में. द नोबेल प्राइज 2008 का जो नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड टू मैत्री क्षेत्रिया फॉर द एफर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑन अ डिफरेंट कंटिनेंट. ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये किसकी फॉर्मर प्रेसिडेंट है? हमारे पास ये फिनलैंड की जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पुरानी प्रेसिडेंट है. क्रोनोमीटर इज यूज्ड टू मेयर, क्रोनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्रोनोमीटर जो है वो टाइम को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वाई ब्लैक सी इज सो कॉल्ड, ब्लैक सी जो है वो क्यों कहा जाता है? बिकॉज द डेंस फॉग दैट प्रिवेल देयर इन वाटर, तो इसलिए उसको ब्लैक सी कहा जाता है. The Muslim of Mindanao Islands are struggling for their political right in the Philippines. भी हैं जी. Likud and Kadima are two main political parties. तो ये किसकी दोनों पार्टी हैं? Basically ये दोनों पार्टी जो हैं ये इसराइल की हैं. और ऑप्शन यहाँ पे none of these जो है वो correct है, because इसराइल जो है वो इन ऑप्शन में मौजूद नहीं है. Three Georges Dam project is located in, Three Georges Dam जो है वो largest dam है in the world, और ये जो है ये चाइना के अंदर है. ब्लू हाउस इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, ब्लू हाउस जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है जी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया की. अंडर द प्रपोज्ड लॉ इनहेंस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट द यूएस वुड, तो जो अगर हम देखें प्रपोज लॉ के मुताबिक जो उन्होंने लॉ हमें प्रोवाइड किया है पार्टनरशिप का, तो उसमें क्या होगा? इस्टेब्लिश रिकॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिलेंगी जी इसके कानून के मुताबिक. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम द हेपेटाइटिस, जब भी हेपेटाइटिस की बात आ जाए तो डायरेक्ट आपने किसको माइंड में सोचना है जी? लीवर को. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन, तो ब्रेन ड्रेन किसको कहते हैं? ब्रेन ड्रेन कहते हैं जी माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू द अदर कंट्री, अगर आपके पास जो है वो स्किल्ड लेबर किसी दूसरी कंट्रीज में चली जाए तो उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है. द आइडिया ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग इज
organization was initiated in 1994 by Mr. Goh Chok Tong, the Prime Minister of Fiji. हमारे पास जो है एशियन यूरोप मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1994 के अंदर स्टिब्लिश हुई, जिसको स्टिब्लिश करने वाले का नाम है जी चोक टोंग। तो चोक टोंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर किसके हैं, सिंगापुर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टिब्लिश फर्स्ट, इनमें से बताएं कि जो पहले जो है इन सब में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टिब्लिश हुई है। अगर हम ईसीओ को देखें तो 1985 में है, अगर हम सार को देखें तो वो 8 दिसंबर 1985 में है, अगर हम ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को देखें तो 25 सितंबर 1969 है, और अगर डी8 के देखें तो वो 1997 है। तो उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि आप ये बताएं कि इनमें से पहले ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी, तो पहले जो है वो ओआईसी है, बिकॉज ये 25 सितंबर 1969 में है। Which of the following South Asian countries has recently been elected as a member board of International Atomic Energy Agency IAEA? तो वो हमारे पास जो है वो श्रीलंका है। Nippon is the stock exchange market of, तो Nippon जो है वो किसकी stock exchange market है, तो वो टोक्यो की है। Car is the main town of, car जो है वो किसका main town है, Bijod Agency का जो main town है वो car है। The world oldest national anthem is, the world oldest national anthem जो है वो जापान का है जी, और shortest national anthem भी जो है वो भी जापान का है, और longest जो national anthem है वो ग्रीस का है। Sun rising जो है वो भी जापान को कहा जाता है। Hamas was founded in 1987, Hamas जो है वो 1987 में found हुआ by, किसने इसको किया, तो शेख एम आई यासीन ने जो है वो हमास को found किया 1987 के अंदर। Which of the following leader has recently been elected as head of 53 member African Union? तो वो हैं जी मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लीबिया के, ठीक हो गया जी। वो क्या बने हैं, वो recently elect हुए हैं head of 53 African Union, African Union के जो है वो head select हुए हैं गद्दाफी ऑफ लीबिया। ये current affair का question है, इसे भी आपने जो है वो confirm कर लेना है paper से पहले। How is the father of computer? तो father of computer जो है वो Charles Babbage हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जी हमारे पास, विच ऑफ द P5 कंट्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सपीरियंस वीटो पावर एट द मैक्सिमम टाइम सो फार। तो मैक्सिमम तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टाइम जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल जो है वो यूएसए ने किया है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन इज ऑफ द 2 ट्रिलियन जो है लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व्स जो है वो 2 ट्रिलियन डॉलर वो चाइना के पास है जी। इन कंप्यूटर सीपीयू स्टैंड फॉर, तो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और ये स्टैंड फॉर होता है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सबसे जो पहला था वो हमारे पास था जी इंटेल 4004। द बिगेस्ट बर्ड इज, सबसे बड़ा बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है। 3 मई ईच ईयर ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, तो 3 मई जो होता है वो हमारे पास प्रेस फ्रीडम होता है। याद कर लें इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को होता है, पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को होता है, फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को होता है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट वॉच इज बेस्ड इन, तो ये कहाँ पे है जी, ये न्यू यॉर्क के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी हैज रिसीव नोबेल पीस प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन ने हासिल किया, यूनिसेफ, आईएलओ, यूएन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो सभी ने जो है वो हासिल किया है नोबेल प्राइज। Almost 40% of the world oil supply passes through the Strait of, तो Strait of Hormuz जो है इसके थ्रू ईरान, ओमान एंड यूएई के दरमियान जो ये Strait of Hormuz है, और इसके थ्रू जो है almost 40% जो है वो world oil supply होता है। The famous city Waterloo is, तो famous city जो Waterloo है वो कहाँ पे है, तो Battle of Waterloo भी है जी, तो जो Waterloo है ये basically famous city है Belgium की। Which of the following Gulf state has recently denoted 320 मेगावाट गैस फायर पावर प्लांट टू पाकिस्तान, तो ये यूएई है जी। हाउ इज हेलमेट करकेर, हेलमेट करकेर कौन है, ये इंडियन एंटी टेरर स्क्वाड चीफ हैं जो कि किल हुए ड्यूरिंग मुंबई अटैक इन 2008 के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास जी 46 क्वेश्चन है। Which of the following film has won 8 Oscar award in ceremony on 23rd February 2009? तो इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने 8 ऑस्कर अवार्ड हासिल किए, और कब किए, 23 फरवरी 2009 में, तो स्लम डॉग मिलियनेयर जो है वो हमारे पास है जी। अटैक, अगर इसराइल ब्रूटल अटैक देखा जाए, इसराइल का जो जुल्माना अटैक है वो देखा जाए ऑन गाजा पे,
जो कि स्टार्ट हुआ 27 दिसंबर 2008 को, जिसमें 1300 फलस्तीनी जो है मारे गए। उस ऑपरेशन का नाम था जी ऑपरेशन कास्ट लेड। पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट प्रेजेंट, ट्रेडिंग पार्टनर अगर प्रेजेंट में देखा जाए लार्जेस्ट वो हमारे पास ये चाइना है। वेट इज खमीर रोगी, खमीर रोगी कौन है? ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट इन कम्बोडिया के अंदर है। The UN spend the largest amount, almost 8 million annually. तो UN जो है, United Nation जो है, वो largest amount जो है, वो spend करती है। अंदाजन जो है, उन्होंने कहा है कि 8 billion dollar जो है, वो annually spend करती है। वो किस पर करती है? तो peacekeeping mission के ऊपर जो है, वो spend करती है। The oldest internet search engine is, तो oldest internet search engine अगर आपने देखना है, तो according to option आप बता सकते हैं, तो Yahoo है, Giga ब्लास्ट है, ask.com है और गूगल है। सबसे लार्जेस्ट जो है, फेमस जो है, वो गूगल है, लेकिन उसने ओल्डेस्ट पूछा है, तो ओल्डेस्ट जो है वो हमारे पास याहू है।